ने आज आरआई के खिलाफ हल्ला बोला है, जहां पर किसान अपनी समस्या को लेकर के पहुंचे हुए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरेंद्र कुमार अन्नू है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष लखनऊ हूं। और समस्या क्या है, किस वजह से आज भारी तादाद में आप लोग? समस्याएं तो यहां पे सालों से चली आ रही हैं, समस्याएं निस्तारित हो नहीं पा रही, इस वजह से हम लोगों को बीच बीच में आना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे किसान भाई ही इतना सक्षम है कि कुछ काम अपना करा लें, लेकिन कोई सुनता उनता नहीं है। अभी लेटेस्ट में एक मामला आया है, अमरेंद्र वर्मा हमारे आरआई हैं यही मोहनलालगंज तहसील में, इन्होंने कोई भी कार्य बिना पैसे के करते नहीं हैं, चाहे नाप का हो धारा 24 का, चाहे आपकी वरासत हो, किसी भी टाइप का कार्य हो। और फिर अब एसडीएम साहब भी मुझे लगता है कुछ मजबूर हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम करा नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी 3-4 महीने की मांगों को लिया है आपने, क्या मांगे यहाँ पर? मांगे तो सारी वही तहसील में जो भी कार्य रहते हैं, कार्य में ये है जिसके आपका वरासत है, नपाई है, किसी का आपका जो है कि पट्टा हुआ है और आज तक लोगों के कब्जे नहीं मिले हैं, उस टाइप के मैटर हैं, अनगिनत मैटर हैं, बाकी ज्ञापन है, सारी चीज़ें उसमें लिखी, लेकिन अब काम हो नहीं रहा, हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? बिल्कुल, आप देख रहा हूँ कुछ हाथ में लिए शिकायत पत्र, क्या है मामला आपका? मामला जिलाध्यक्ष के साथ हम लोग। अच्छा, आपके साथ में भी यही हुआ है, नपाई नहीं हो रही? जी नपाई क्या, चकमार्ग और नाली की जमीन पर जो है बाउंड्री वॉल करवा दिया है, उसके बाद में नहीं करवाया, सरकार ने करवाया है, जो यहाँ के एसडीएम बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब ने, उसके बाद बगल में खेत जो है किसान का खड़ी फसल जुतवा दी गई, यह हुलासखेरे का मामला है। आप क्या कह रहे हैं? जी हमारा कहना सिर्फ यही है कि इतनी संख्या में किसान इस समय, इनको चाहिए कि अपने खेतों में मेहनत करें, धान की कटाई चरम सीमा पे है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के रवैया के चलते ये अपना खेत बाड़ी छोड़कर तहसील दिवस में, संपूर्ण समाधान दिवस में अपना समय जाया करते हैं। आके एक अमरेंद्र वर्मा आरआई है जो कानून गो है, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कानून गो इस तहसील में है, लगातार धारा 24 की फाइलों में अगर डेट एसडीएम साहब निर्धारित भी कर देते हैं उसके बाद भी वो धन उगाही की बात करता है। और एक रिसेंट अभी जल्दी का मामला है, मस्तीपुर का एक पंकज है जिससे उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की और उन्होंने रिकॉर्डिंग में ये भी कबूल किया कि तुमने 10,000 रुपये ही दिए थे, बाकी पैसा अभी नहीं पहुंचा है। तभी क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? आश्वासन मुझे आश्वासन देने में वर्तमान एसडीएम साहब और तहसील प्रशासन आश्वासन देने में एक नंबर पे है, आश्वासन देने में पीछे नहीं हटते। हम लोगों ने तीन बार कार्रवाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती, तीन बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, माननीय प्रदेश प्रभारी हमारे ऋषि मिश्रा जी के नेतृत्व में तीन बार जो है, एक बार ये ज्ञापन लेने नहीं आ पाए। बिल्कुल, किसान किस तरह से तहसील दिवस पर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कानून गो के ऊपर, ऐसे में इनका कहना साफ तौर पर कि इसके खिलाफ फिलहाल तहसील प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज किसानों ने तहसील समाधान दिवस में हल्ला बोला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।